आज हम आईफोन 11 की बैटरी चेंज करेंगे। इसके लिए हम जो इसके ओरिजिनल बैटरी का फ्लेक्स होता है उसे उतार कर दूसरी न्यू सेल पे लगाएंगे। इससे जो बैटरी अननोन पार्ट का एरर आता है वो नहीं आता और हेल्थ वगैरह भी शो होती है इससे। इसकी जो ये सेल आता है जो बहुत बढ़िया आता है, लोकल बैटरी से काफ़ी अच्छा है ये। इसकी कैपेसिटी पूरी होती है जितनी ओरिजिनल बैटरी की होती है, एकदम अच्छे से वर्क करता है। इसे चेंज करने के लिए पहले हम जो इसकी पुरानी बैटरी है उसके ऊपर से उसका जो पत्ता है उसे उतारेंगे। इसके लिए ऊपर लगी हुई टेप वगैरह को उतारेंगे और इसके पत्ते को हम खोलेंगे। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का सील लगा होता है इसे भी उतारेंगे और बाद में इसे जहाँ बाइक टेप लगा होता है उसको भी उतारेंगे और इसके पत्ते को अलग करेंगे। फिर इस पर हम नया बैटरी का रख कर उसे स्पॉट वेल्ड करेंगे। ये देख सकते हैं बैटरी, ये हमारा न्यू सेल है। ऐसे आता है जैसे पैक किया होता है कि आप समय शॉर्ट ना हो। इस पे से हम जो इसका जो इलेक्ट्रिक टेप है इसे उतारेंगे। देख सकते हैं ये काफ़ी लंबे हैं, इन्हें थोड़ा काटना पड़ता है। अब हम पत्ते को अलग करेंगे। पत्ते का पहले से भी स्पॉट वेल्डिंग से ही जुड़ा हुआ होता है। इसके लिए हम जे टूल की मदद से इसको उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके उठाएंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। हम इसे बैटरी से सोल्डर भी कर सकते हैं, लेकिन सोल्डर से ये दिक्कत आती है, अच्छे से सोल्डर नहीं होते और सेट बार बार कई बार ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो ये स्पॉट वेल्डिंग वाला मेथड है ये सबसे अच्छा है, ये ओरिजिनल जैसा ही वर्क करेगा। पत्ते को हम उतारेंगे। पत्ते को उतार कर हम इस मोल्ड पे रखेंगे, बैटरी को लगाएंगे और स्पॉट वेल्डिंग एक वायर को पहले टकाएंगे। जैसे ही हम दूसरी को टच करेंगे ये एकदम से स्पॉट आप समय वेल्ड हो जाएगा। देख सकते हैं हमने इसे दो दो बार वेल्ड करना है, चार चार टैप लगेंगे इस पर। दोनों बैटरियों को हम साइडों से हम इसे अच्छे से वेल्ड कर लेंगे और जितना बचा हुआ इसका जो पत्ता है उसे काट देंगे जिससे ये शॉर्ट वगैरह ना हो। इसे हम अच्छे से सोल्डर कर कर इसके साथ ही ये टेप वगैरह आती है ओरिजिनल जैसी होती है, सभी प्लास्टिक का ढक्कन वगैरह भी आता है सब लगा कर ऊपर से टेप लगा देंगे। देख सकते हैं हमारी बैटरी की फिनिशिंग एकदम ओरिजिनल जैसी है, जैसे पहले होती है। ये किसी प्रकार से खुला खुली हुई बैटरी नहीं लग रही, देख सकते हैं आप। ये अच्छे से वर्क करेगी और इसमें हेल्थ वगैरह भी बताएगा और पार्ट का एरर भी नहीं आएगा।